दिल्ली के मैदानगढ़ी थाने में एक छात्र की हत्या का मामला सामने आया है। यहां भाटी माइंस में 12वीं कक्षा के छात्र की चाकू मारकर हत्या की गई है। हत्या का आरोप कई नाबालिगों पर लगा है। सूचना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है और आरोपी नाबालिगों को पकड़ लिया है। इस दौरान पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया है। दिल्ली में 12वीं क्लास के एक छात्र की हत्या कर दी गई है। चाकू मारकर 12वीं के छात्र की हत्या हुई है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। ऐसे बताया जा रहा है जो आरोपी हैं वो भी नाबालिग हैं और इसमें कई लड़के हैं। हालांकि विवाद क्या था ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि पुलिस ने हथियार भी बरामद कर लिया है और आरोपियों को भी पकड़ लिया है। बारहवीं क्लास के छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। आरोप कई नाबालिगों पर लगा है। नीरज गौड़ इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, हत्या की वजह क्या है? देखिए, पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने जो दो नाबालिग हैं उनको पुलिस ने पकड़ा है, उनसे पुलिस ने पूछताछ की तो ये जानकारी निकल कर के सामने आई है। जो कि 18 साल का लड़का है हर्ष, जिसकी हत्या की गई है, उसका यह था कि इन लड़कों ने हर्ष का मोबाइल फोन छीन लिया था, जिसका उसने विरोध किया और इसी वजह से दोनों ने मिलकर के हर्ष की गला काट करके हत्या कर दी, जिसके शरीर पर कई सारे घाव थे और जिसकी वजह से उसकी मौके पर मौत हो गई। उसके बाद ये लोग फरार हो गए। जब आसपास के लोगों ने देखा कि पार्क में एक डेड बॉडी पड़ी है, उसके बाद में पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस मौके पर पहुंचती है, उसके बाद में उस बॉडी की पहचान की गई। उसके जो परिवार वाले थे वो पहुंच जाते हैं और फिर पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से जो दो जिन पर आरोप है उनको पुलिस ने पकड़ लिया है। उनसे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 18 साल के लड़के का मोबाइल छीनने का विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी गई। ये जो पूरा इलाका है बेहद, जहां पर ये इंसिडेंट हुआ है बेहद एकदम जो कि जंगल एरिया है, भाटी माइंस का इलाका है और ये जो परिवार है पिछले कई सालों से यहाँ पर रह रहा था और हर्ष अपने परिवार के साथ यहाँ पर रहता था और ये इंसिडेंट जो है 21 यानी कि कल हुआ है, बीता हुआ जो कल था दोपहर तकरीबन 2:30 बजे के आसपास पुलिस को जानकारी मिली थी। जी,